तो दोस्तों आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पांच ऐसे गेम ला रहा हूँ जो कि 100 MB के अंदर आता है और ये गेम का जो है ग्राफिक्स बहुत अच्छा खासा मिल जाता है आप लोगों को 100 MB के हिसाब से। तो ये जो गेम है आप लोगों को खेलने में बहुत मजा आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सब गेम का आप लोग देखिए कौन सा आप लोगों को पसंद आता है और मुझे कमेंट में बताइए कौन सा आप लोगों को पसंद आया। तो ये पूरा वीडियो देखिए, फिर देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और नहीं तो डिसलाइक करना। चलो तो फिर अभी इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपका आ रहा है। तो ये जो है पहला गेम है रेड बॉल 4, ये मैं बहुत पहले खेलता था, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये गेम, तो पुरानी यादें बहुत ताज़ा हो गई। तो यहाँ पे इस गेम को ऑन करने के बाद आप लोगों को करना होगा प्लीज़ सिलेक्ट योर एज। तो यहाँ पे एज सिलेक्ट कर सकते कोई, तो मैं यहाँ पे अपना एज 15 सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आ जाएगा, तो प्ले का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे दो बॉल उछल रहे हैं और उसके बाद और यहाँ पे एक और आया, तो यहाँ पे स्टोरी बताया है, तो स्टोरी को हम लोग स्किप करते हैं। और यहाँ पे देख सकती है ऐसा रोल का ऑप्शन है और इसको क्लिक करने से ये जंप करता है और ये स्टार लेने से जो है आपका पॉइंट बढ़ेगा। तो ऐसे जो है ये गेम को खेल सकते हैं, बहुत मज़ेदार गेम है, इसको इंटरेस्टिंग गेम है। तो मैं ये इस गेम को बहुत पहले खेलता था, ठीक है, बहुत मज़ा आता था इस गेम को खेलने में। तो ये गेम जो है बहुत मज़ेदार गेम है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कीजिए और खेलिए और मुझे बताइए आप लोग कैसा लगा, ठीक है। तो चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट ऐप जो है हमारे पास बैलेंस 3D, तो एक्सट्रीम बैलेंस 3D ऐप का नाम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा मेनू कुछ खुल जाता है, तो यहाँ पे सेटिंग है, स्टार्ट गेम और क्विट है। तो स्टार्ट गेम पे हम लोग एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ट्यूटोरियल देगा, लोडिंग ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल को आप लोग सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको ऐसे आप लोग बैलेंस कर करके ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वाइप करने से ये स्क्रीन चेंज होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे आप लोग गेम को अच्छी तरह से खेल सकते हैं। यहाँ पे फिर से दिखा रहा है, तो ऐसे देख सकते हैं पहले ट्यूटोरियल कर लीजिए आप लोग और डिस्प्ले को ऐसे घुमा सकते हैं। तो यहाँ से इसको जो है बैलेंस करके ले जाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, तो मैं ये इसको भी पहले बहुत खेलता था, ठीक है, तो आप लोग भी डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पे नाउ यू आर रेडी, तो फिर से लोडिंग ले रहा है और यहाँ पे ग्राफिक्स पूछ रहा है, हाउ डू यू वांट द ग्राफिक्स टू बी। तो यहाँ पे जो है ग्राफिक्स आपको पूछ रहा है लो रखेंगे या हाई रखेंगे, तो हाई कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके, मतलब 2 GB रैम का फ़ोन है तो भी अच्छी तरह से चल जाएगा। तो यहाँ पे हाई करते हैं और हाई करने के बाद जो है फिर से आ जाते हैं। स्टार्ट गेम करने के बाद आपका मिशन आ जाएगा, लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो है मिशन आप लोगों को मिल जाएगा लेवल्स। तो इसको आप लोग खेलिए और मजे लीजिए। तो अभी चलो जाते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस अभी जो नेक्स्ट गेम है वो है हमारे पास इन्फिनिटी लूप, ठीक है। तो इस गेम को पहले हम लोग ओपन करते, तो ये जो है पोर्ट्रेट में गेम को आप लोग खेलेंगे, तो लैंडस्केप में नहीं होता ये। तो इन्फिनिटी लूप जो है लोडिंग ले रहा है, तो लोडिंग को हम लोग स्किप करेंगे। तो यहाँ पे जो गेम ओपन होने के बाद ऐसे कुछ आप लोगों को इंटरफेस मिल जाएगा। तो पहला यहाँ पे है पजल एडिट और इन्फिनिटी लूप डार्क मोड प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे पहले हम लोग इन्फिनिटी लूप में क्लिक करेंगे, तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे आप लोगों को कुछ सॉल्व करना है, ऐसे कुछ आप लोगों को मिलेगा, तो यहाँ पे सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। तो अभी फिर से क्लिक करने से नेक्स्ट हो जाता है, तो ऐसे आप लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बार रोटेट होता रहेगा, और जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने कंप्लीट कर दिया, दो जो है राउंड हो गया, सर्कल हो गया। तो ऐसे करके आप लोगों को जो है क्लिक करते रहना, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ मिलेगा आप लोगों को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं ये मतलब खेलने में थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, मतलब नेक्स्ट लेवल में जो बहुत हार्ड हो जाता है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर ही लिया लगभग, तो ये कंप्लीट हो गया। तो ऐसे जो है आप लोग इस गेम को खेल सकते हैं, बहुत मज़ेदार गेम है, आप लोगों को इस गेम को खेलने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो इस गेम को आप लोग खेलते रहिए, तो ऐसे स्क्रीन में क्लिक कीजिए, नेक्स्ट होता रहेगा, बहुत अच्छी तरह से मिशन आता रहता है यहाँ पे लेवल्स, इसको खेलिए, बहुत मज़ेदार गेम है, ठीक है। तो अभी चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस इसके बाद जो ऐप है वो डिटेक्टिव वाला है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग चलाना पड़ेगा इस गेम को खेलने के लिए। ये जो ऐप का नेम है यह है मिस्टर डिटेक्टिव, तो यहाँ पे चलो इसको ओपन करते हैं। और तो ये भी आप लोगों को पोर्ट्रेट में मिलेगा ये गेम, लैंडस्केप नहीं होता। तो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, तो प्ले करेंगे हम लोग। प्ले करने के बाद यहाँ पे एपिसोड 1। तो यहाँ पे गेम के रूल्स दिखा रहे हैं कुछ, आप लोगों को जो है पढ़ लेना है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिए रूल्स को हम लोग कैंसिल करते। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे दो लोग यहाँ पे, बेन वॉज फाउंड मर्डर्ड इन हिज ओन हाउस। तो बेन जो है अपने घर पे, खुद के घर पे यहाँ पे जो है मर्डर हुए हैं। तो बेन्स फ्रेंड रॉय एंड जॉय वेर प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। तो यहाँ पे बेन का जो फ्रेंड है रॉय एंड जॉय जो है उसी जगह पे, उस सिचुएशन में उधर आए थे अभी। तो जो है ऐसे आप लोगों को मिलता रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट करते रहिए। यहाँ पे जो है वेल नोन डिटेक्टिव मेहुल वॉज कॉल्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे डिटेक्टिव मेहुल को जो है बुलाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट करते करते यहाँ पे जो क्लू बहुत सारे मिलता रहता है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे नेक्स्ट कीजिए और इसको पढ़ते रहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग चलाना पड़ेगा इस गेम को खेलने के लिए, तो आप लोगों को किस मतलब बहुत लोगों को ये पसंद भी नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो डिटेक्टिव गिरी करना चाहते हैं वो लोगों को ये गेम पसंद आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट करके, तो यहाँ पे हु इज़ द मर्डरर, तो किसने जो है खून किया है, तो यहाँ पे जॉय या रॉय, तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, तो मुझे पता था ये पहला लेवल मैं जो पढ़ चुका था पहले इससे पहले।
इस गेम को आप लोग खेल सकते हैं, बहुत मज़ेदार गेम है, ठीक है। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, तो इस गेम को खेलिए, मज़ा आप लोगों को ज़रूर आएगा अगर इसको आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो अभी चलो चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। तो दोस्तों जो लास्ट गेम है वो आप लोगों ने बहुत जगह में ऐड में देखे होंगे, ये मतलब बहुत मतलब एक दो महीने पहले ये जो बहुत जगह में ऐड में आता था। तो इस गेम को हम लोग ओपन करेंगे फन रेस 3D। तो ये जो है 100 मिलियन प्लस डाउनलोडर्स है, मज़ा आता है खेलने में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे टैप टू प्ले है, टैप टू प्ले हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो रहा है होल्ड टू रन। तो यहाँ पे स्क्रीन को आप लोग जब पकड़े रहोगे तो यहाँ पे दौड़ेगा, ये दौड़ना शुरू करेगा, या फिर कुछ भी है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल आता रहता है। तो यहाँ पे मैं गिर गया, तो जो भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, यहाँ से मिशन आता है, बहुत सारे मिशन नहीं, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स कहेंगे। तो ऐसे देख सकते आता है, यहाँ पे हम लोगों इसको जो है हराना पड़ता है, मेरे ओपोनेंट को जो है, मेरे ओपोनेंट से जो मुझे जीतना पड़ेगा तो ही ये जो है गेम हम लोग जीत पाएंगे। तो वो तो मेरा पहले ही निकल गया। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे गेम को आप लोग क्लिक करके, मतलब स्क्रीन को बस क्लिक करके रखिए और ये जो भागना शुरू कर देगा, लेकिन आप लोग ठीक ठाक टाइम में भागना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे मेरा ओपोनेंट है, ठीक है। तो हम लोग जीत जाएंगे, ऐसे भागते रहो। तो इस गेम को आप लोग खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है जीत गए, तो यहाँ पे बहुत ही घटिया से डांस कर रहे हैं। तो हम लोग जो जीत गए हैं इस गेम में, और आप लोग खेल सकते हैं इस गेम को। इन पांच गेम में से आप लोगों को कौन सा गेम अच्छा लगा, इनका मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और ये सारे गेम जो है 100 MB के अंदर आ जाते हैं और सारे ही ऑफलाइन गेम्स हैं, तो आप लोग इस गेम को खेल सकते हैं और मज़े कीजिए। तो गाइस, मैंने जैसे बोला था, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत गर्मी हो रही है, फैन मैन ऑफ करके बैठा हूँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।